करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंगदे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर, अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं, 135 करोड़ अर्थ हैं। आजादी वो है जब ना सपनों के दरख्त फलने से डरें और ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना होगा, 47 का सब्सक्रिप्शन 20 में रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। Thank you.